आपके साथ लाइव हूँ। आज 13 जुलाई 2023। सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। जागरूक होंगे, जागृति होना इम्पोर्टेंट है, जागा होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके अनअटेंडेडनेस और आपके अंधेरे में रहने का फ़ायदा सरकारों ने उठा लिया है। अब सरकारों के कुछ छोड़े हुए यहाँ पे कुत्ते अपने घरों पे कुछ होगा, डर रहता है, वो कुत्ते पालते हैं। आप इनके मालिकों को नंगा कर दिया है, अब मालिकों ने कुत्ते पाल लिए। जो कुत्ते भोंकते थे एक टाइम पे सब मालिकों पे, आज वही मालिकों के तलवे चाट के आज हमारे ऊपर। अरे कुत्ता जो है वो वफादार होता है। यहाँ के कुत्ते नए नस्ल के हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड बन गए हैं। क्या तू कुत्ता, उसको गाली देना भी बेचारे कुत्ते का अपमान है। नमस्कार नमस्कार। कल की चैतन्य दूसरा चैतन्य यहाँ बैठा है, कार चला रहा है। कल की चैतन्य है यहाँ पे। नमस्ते भावेंद्र बंजारी जी, गुड मॉर्निंग। धीरज खैरे जी नमस्कार। सबसे पहला एक वो जो बुड्ढा बैठा है ना गुजरात अपने राजस्थान में, एक रिस्पेक्ट नाम है, मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली बात किया है, उसका चैनल मैंने प्रमोट किया। उसने क्या शब्द यूज़ किया, डॉक्टर जग्गू। मैंने अभी थोड़ा शरीफ, हम शरीफ क्या बन गए, लोगों को लग गया आदमी डरपोक बन गया है क्या। एक शेर था, हम थोड़ा सा शरीफ क्या बन गए, लोगों ने हमसे डरपोक समझना समझ लिया। उसकी आपको थोड़ा मैं बताऊं, याद वो जो है ना राजस्थान वाला, उसने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो डालूंगा मैं उसकी लिंक, और उसने रखा वो ये वीडियो के बाद में। अगर क्या लिखा उसने आज के कि दारू पी के बलबरा रहा है भाई साहब, यहाँ पे हम भगवान भगवान कर रहे हैं, लोगों को जाके जगा रहे हैं। और तूने क्या वीडियो डाला था, टाइटल था लेट्स ड्रिंक लेट्स ईट एंड बी मैरिड। 70 साल का बुढ़ा है तू, और तू लोगों को ऋषिकेश में भगवान की भूमि में लेट्स ड्रिंक लेट्स ईट और लेट्स बी मैरिड, 70 साल की उम्र में फिर से शादी कर रहा है तू। हाँ 70 साल की उम्र में तू ऋषिकेश गया था ना भगवान का नाम लेने का था, क्या कहता है वो लेडीज को, सुंदरियां नाचेंगी, ये भाषा है उस आदमी की। 70 मैंने कहा ना, जिनके ये अभी तलवे काट रहे हैं ना, इनको पैसा कहाँ से आ गया, कैसे कह के रात में इन्होंने अपनी नीतिमत्ता, इन्होंने मानवता के लिए काम करने के एकदम से एंगल चेंज क्यों किया है। 70 की उम्र में ही लोग सखी आ जाते हैं, सिनोज मेनन जी सही कहा है। बैंक का करप्शन किया था इसने 35,000 रुपये का, जिसकी वजह से इसका प्रमोशन नहीं हुआ था, जाने दो उसका कर्म का भोगो भोगेगा, मगर वो जिस राह पे चल रहा है, मैंने कहा था कौरव बन चुका है, कौरवों ने खुद की डिस्टिंग चूज कर ली है। दोनों बुढ़े गले में गले डाल के रो, उधर हमें लेना देना नहीं है। हम उस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उस इल्यूमिनाटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये काम मैं गए 3.5 साल से रोज आके कर रहा हूँ और ये करते रहूँगा। ऐसे कितने आके गए कितने आए गए किसको गिनते भी नहीं। आप लोगों को पता है जब स्टार्ट किया था तब कितने गालियाँ दी थी, आज कर रहे हैं आज कितने कुत्ते भौंक रहे हैं। अरे कंटेंट हमारे ही चुरा चुरा के अब तक यहाँ पे आए हैं। जवान होप ने कहा है, होप की कमेंट पढ़ लेना, बहुत बढ़िया लिखा है। अवेकन सोल जी आपका कमेंट मैंने पढ़ा है। बात है ये कि आप अवेकन करने की एक आखिरी कोशिश की जिसमें हम पहुंचे, अब आप जो है हम ग्राउंड पे उतरे हैं। अब इनका बौखलाहट और बढ़ गई है, इनको लग नहीं रहा था कि कोई उतरेगा ग्राउंड पे और जाके गांव गांव जाके स्टेट वाइज जाके शहर शहर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इन
जिनका जमीर जागा हुआ है, जो जल जमीन जंगल के लिए लड़ते हैं, वो भी हाईजैक करने का ट्राई किया, वो भी कंट्रोल अपोजिशन खड़े करके लो तुम चुरा के लो। मगर याद रखना, अब तक बे सेवा सेवा मंगेश नामडे जी, सेवा सेवा, जय सेवा। परेश ठुमार जी गुड मॉर्निंग। अब जो है मैं डिफेंस मोड पे था, आप अटैक कर रहे थे सरकारों, लोगों के घरों में लॉकडाउन लगा के बिठाया, पनीर टीका लगवाया, गरीबों को चलवाया, जियो मो दिया, 3+2G किया, ये देखो 3+2G, ये देखो 3+2G बिलासपुर में है। ग्राउंड लेवल की नंगा तो मैं नहीं करा ना सरकार को, किसकी है यहाँ पे सरकार? बिलासपुर कांग्रेस, कांग्रेस वालों। क्यों सर, कांग्रेस को नहीं लगता है लोग जीने चाहिए? वो देखो उधर उधर टावर है, उनको दिखाऊंगा 3+2G है ना, यहाँ पे घर गोर गरीब लोग रहते, बच्चे रहते, औरतें बूढ़े रहते, गाड़ियाँ चला रहे हैं, और वो टावर को यहाँ पे हर जगह टावर लगे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, टावर दिखाना यार क्या आ गया बीच में बिल्डिंग। ग्राउंड लेवल देखिए, ग्राउंड रियलिटी पे जो लड़ रहा है उसके साथ रहिए। मैंने आपके साथ लीगल लड़ाई लड़ी, अब मैं उतरा हूँ ग्राउंड पे। अगर आप इस वक्त मुझे साथ नहीं देंगे, अगले ये 6 महीने के अंदर अगर आपने मुझे साथ नहीं दिया, अगर तुम ऐसे ही झोले छाप के पिद्दू के साथ जो झोला छा लेके आए हैं कहीं कहीं से भीख मांग के कंटेंट जुड़ा के अब बांट रहे हैं, वो देखो टावर, वो 3+2G का टावर, सर सबकी पोल खुल रही है। जो लोग BJP RSS के अंधभक्त थे उनके आपने बहुत समझाया, आपने बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत किया, बहुत। मैंने लिटरली 3.5 साल दिन के 1.5 से 2 घंटे दिए और मैंने कुछ नहीं मांगा है। सर चाचा और उनके जैसे जितने भी उनकी फटी पड़ी है इसलिए कुत्ते भेजे हैं, हड्डियाँ चूसी है, कुछ लाख 2 लाख 5 लाख की मिली होंगी, जमीर बेच दिए, जमीर जिसका बिक गया ना उसको कुछ नहीं बाकी, हमें कुछ फर्क नहीं गिरता है। आज की दिन है अपना, पता नहीं रात होने के बाद सुबह जगेंगे कि नहीं जगेंगे, कोई फर्क नहीं गिरता। पता है कि जाने के पहले पूरे भारत को जगा दिया, पूरे भारत में के बाहर जहाँ हिंदी भाषी है, और अमीना मैडम जैसे आउट ऑफ इंडिया के जो भी यूट्यूबर चैनल्स थे जिन्होंने मेरी बात USA और कनाडा तक पहुँचाई, मंगेश नामडे जी नासिक आदिवासी लोगों कड़े कभी येणार, नामडे साहब मंगेश जी आप अपॉइंटमेंट लीजिए उनकी, आप उनसे टाइम लीजिए, मैं बिल्कुल आऊँगा। विलास भाऊ नमस्कार, देवेंद्र फडणवीस गडचिरोली मध्ये हेलिकॉप्टर ने पानी करता है, देख रहे हैं यहाँ का कौन सा जंगल ला बाडानी अंबानी और इसको देने का है, सर्वे कर रहे हैं, टारगेट बहुत नज़दीक आ चुका है इनका, इलेक्शन के पहले इनको सब निपटाना है, समझे आप। यही ज़मीन अधिग्रहण कायदा 2015-16 में लाया था नरेंद्र मोदी ने, तब टारगेट नहीं हुआ, अब इलेक्शन के पहले जैसे 2018 के इलेक्शन के पहले जल्दी जल्दी में सॉरी 2018 के इलेक्शन के पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बैकडोर से जियोमो को परमिशन लाई, तब आप बिजी थे IPL BPL में, सेम 2018 के पहले उन्होंने CA और NRC लागू किया, सेम 2018 के टाइम पे इलेक्शन पहले इन्होंने आपके टीके को, पनीर टीके को परमिशन दी, सेम हड़बड़ाहट जो है ये इलेक्शन के पहले ये कर रहे हैं, दिया बुझने का जो फड़फड़ाता है ना वैसे फड़फड़ाहट चल रही है, और इनको नंगा कौन कर रहा है? डॉक्टर जगदाड़े कर रहा है, तो डॉक्टर जगदाड़े पे करो बम्बार्डिंग। सोचिए जो
रखा हुआ, आपको दिखाता हूँ इतने से एरिया में कितने 5G टावर, 3+2G के टावर है। एक दो तीन, उधर एक चार, ये पांच, विद इन 2 किलोमीटर के रेंज में 5 टावर्स। अभी वॉल की भिंती दिखेगा नहीं, अभी दिखेगा, ये देखो एक, वो उधर एक दो, वॉल बिल्डिंग के पीछे दो, उधर एक तीन, उधर एक चार, 5 टावर तो इतने 2 किलोमीटर के एरिया में है। ये है आने वाले नवंबर के महामारी का, और एक तो बहुत ही नज़दीक है ये, इधर एक छठवा, वो लंबे वाले जो रॉड दिख रहे हैं ना, पतले से लंबे वाले, वो है कौरव। बहुत हो गए वर्ल्ड में कौरव, तो बहुत हो गए है ना, और इतना याद रखिए, तब भी कौरव ज़्यादा थे, तब भी पांडव कम थे। सर हम आपको क्लास 8 से फॉलो कर रहे हैं, और आज मैं 12th में हूँ, 12th कर रहा हूँ, आज आगे भी करूँगा, आपकी वजह से मैंने बहुत चेंज हुआ है। मैं एक जनरेशन के ऊपर अगर मेरा इम्पैक्ट गिर रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक जनरेशन को चेंज कर रहा हूँ, एक जनरेशन की सोच को मैं चेंज करने में अगर सफल हो रहा हूँ। एक क्रिटिकल थिंकिंग सिस्टम, एक एक अनबॉक्स्ड, एक एक बॉक्स के अंदर सोच जो है, अगर वो चेंज करने में मैं अगर सफल हो रहा हूँ, तो हाईजू पिटीशन के पैसे कहाँ गए हैं, हाईकोर्ट में गए हैं, पिटीशन नंबर दिया है मैंने, जाके सर्च कर लो। सचिन अवेयरनेस जिसका तूने डीपी लगाया है ना, वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने ही दिया है, जो पिटीशन डाला है उसका केस नंबर है, जाके पिटीशन देख लो, उसका आपके वकील होगा तो उसको उसका स्टेटस पूछ लो, वो स्टेटस क्या है क्या है। जब शाहरुख खान के बेटे का केस नहीं चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं चल रहा है, तो भाई मेरे केस क्यों चलाएगी सरकार। सर आपको कोई कितना भी बदनाम कर ले, हमारा आप पे पूरा विश्वास है, बस यही आपका विश्वास है। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, 23 मार्च 2020 को मैंने जब स्टार्ट की थी जर्नी, तब मैं अकेला लाइव करता था, और 2 या 3 लोग, वो मेरे दोस्त लोग, फेसबुक पर सुनते थे, आज तक रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखना। सरकार से लड़ते रहे, भगवान के विरुद्ध मत चले जाना, भ्रम रह रहा हो जाग जाओ। अच्छा भ्रम फैला रहा हो, गॉर्जिन किसने बताया था, गॉर्जिन किसने बताया था, किसने बताया था 8th क्रोमोसोम जो आपका गॉर्जिन है, जो आपको उससे कनेक्ट करता है। आपको समझो, आपको जो चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया, और आप जो इस भ्रम में हैं, मैं से हम नहीं बने हैं, जो आप मैं से हम नहीं बने हैं, भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी सद्भावना, जैसे सरकार कहती है ना, आपने पनीर टीका लिया है, आपके लिए हमारी सद्भावना है, आप मर जाओगे हार्ट अटैक से, तो हमारी सद्भावना है, पर हम कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। तो उसी तरह से आप मैं से हम नहीं बने हैं, आप अभी भी कौरों के साथ जाके मिट गए हो, जुड़ गए हो, पता है भी कहाँ जा रहा हूँ, दिखेगा आपको उसका इम्पैक्ट। 2 दिन में मैं जहाँ जा रहा हूँ उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। मैंने कहा ना, अब जो हम उतरे हैं अटैकिंग मोड पे उतरे, एक इस महायुद्ध का एक सोल्जर हूँ, एक छोटा सा सोल्जर हूँ, अभी तो बॉस आया नहीं है। एक मेरा अकेले का अटैक तो सहन कर लो, कबाल को पूरा नंगा कर दिया, कबाल के एजेंट को नंगा कर दिया, अब एजेंट के एजेंट आ रहे हैं मेरे हमसे पंगे लेने, और आपको गलगलाने। अरे सोचो, जिसने आपको पनीर टीका समझाया, जियोमो समझाया, 3+2G समझाया, और तुम आज आके पूछ रहे हो कि कहाँ गया, आके जाके हाईकोर्ट में देख, हाईकोर्ट में देख कितना बहकाना है, बहका लो, जितना बहकाना है बहका लो, जो जाएगा वो जाएगा, जो हमसे जाएगा वो कोरों के साथ जाएगा, बेचारों का नसीब
खराब, जैसे डॉक्टर आज़ाद हमसे चले गए दूर, गौरव ने उनका सेक्रीफाइस कर दिया, आज जो भी हमसे है, तुम प्यादे हो, तुम समझो, तुम जिसके लिए काम कर रहे हो तुम प्यादे हो, हमने तुम्हारे मालिकों को नंगा किया है, तुम हमसे क्या लड़ रहे हो। मैं आपकी सभी बातों जैसे कि आवेदन पत्र की बात कर रहा हूँ, आपको एक होने के लिए बता रहा हूँ। विद्या चौधरी जी, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, आप CA, NRC, पनीर टीका, हिंदू मुस्लिम, आपके सामने आपका प्रधान आके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। एक नाम लिख लो, अविनाश भाटीवाल लिख लो तो पेज पे। जो बात तूने कही ना अभी अविनाश भाटीवाल, तूने एक गुरु शिष्य के एक रिश्तों को ना बहुत गलत तूने बात कही अभी। सोमनाथ सोरेन जी सर, लोग सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, ग्राउंड पे उतर के कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ये ऋषिकेश में जाके इन्होंने सुंदरियों से स्नान करवाया है, आप देखिए उसके वीडियो में दो दो सुंदरियां इसको नहला रही है, उसके बेटे और वो नाच रहे हैं वहां पे। गांव में बहुत हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, इन लोगों ने हद छोड़ रही है एक गुरु शिष्य के नाते को, इन्होंने एक हद के नीचे जाके एक इस तरह से किया है। तुम लोगों को क्या पता गुरु और शिष्य का नाता क्या होता है। आज भी हम हमारे गुरुओं को जिन्होंने ज्ञान दिया है, मेडिकल प्रोफेशन हो, स्कूली प्रोफेशन हो या फिर आध्यात्मिक हो, आपको क्या पता गुरु शिष्य का नाता क्या होता है। जिंदगी में जहाँ से भी ज्ञान मिले ना उसको गुरु माना जाता है, उस तत्व को गुरु माना जाता है। तुम लोगों को लॉकडाउन समझाया, कच्चे समझाए, 3+2G समझाया, सब कुछ समझाया, और आज तुमने सब समझ के ज्ञान लेके अगर तुम इस चीज़ को नहीं मानते हो, मत मानो, तो तुम हम पे सवाल उठा रहे हो, बहुत सही कर रहे हो, कौरव के लाइन में सबसे पहले नाम लिखा रहे हो। ये कुछ बदनाम करने के लायक है ही नहीं है, ये इनके हम खुद नंगे इनको नंगा कर दिया, ये हमें क्या बदनाम करिए। देखो 3+2G दो दो टावर, ये उस ज्ञान से अनभिज्ञ रहने वाले हैं, जो सोलर फ्लेयर ब्लास्ट की वजह से जो आत्मचैतन्य आत्मज्ञान जो मिलने वाला है ना, जो परमोच्च आनंद जो है जो मेडिटेशन में मिलता है, वो आपको मैं से हम बने हुए जो है उनको ऑटोमेटिक भाई साहब मुझे मेडिटेशन आता नहीं है, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था मैंने, क्योंकि मैं तब बोलता ना क्या भाई मुझे मेडिटेशन आता है, रात के 5, 6, 7, 8, 10, 12 दोपहर में 100-200 कॉल आते थे, वो दिन भर रात मेरे को सर मेरे को ख्वाब में ये दिखा, मेरे को ख्वाब में दिखा सर, मुझे दिखा ये दिखा, इसलिए मैंने बोला ठीक है ये अभी के लिए डिपार्टमेंट। तुम लोगों को समझा नहीं है मुझे मेडिटेशन आता नहीं है, तो फिर मैं आपको, अरे अभी भी कौन नहीं छूता है जो आके बोलते तुझे मेडिटेशन आता नहीं है। मैंने 2020 के अक्टूबर महीने में एडवोकेट विभोर आनंद के चैनल पे मैंने डायमेंशन के अंदर मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में जाने के बाद गॉड का साउंड ऑफ द क्रिएशन 369 एंड द गॉड पार्टिकल्स क्या होता है मैंने तब समझाया था। आप ही कहें सबका हिसाब होगा, बिल्कुल होगा। मैं इनको तो हड्डी नहीं जानता था, ये मैडम बोले मेरे को इसके बात इनको हड्डी डाली, वरना इनको तो मैं खड़ा भी नहीं करूँ। और इनके माँ, इनके जो चाचा है इनको खड़ा नहीं करता, इनके प्रधानों को, इनके मुख्यमंत्रियों को, इनको खड़ा नहीं करता मैं। बड़े बड़े नेताओं को, MLAs, MPs को, जिनके तलवे चाटते हैं, जिनको फ़ोटो खींचने में, आपको पता है यूट्यूब चला है,
इनको बहुत बड़प्पन लगता है अंबानी के बेटे के साथ फोटो निकालने के, किसी मंत्री के साथ फोटो निकालने के लिए। हमें कुछ नहीं गिरता है। सुमन घोष जी सर, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे जैसे हनुमान के। नहीं बाप बाप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपके दिल में एक छोटी सी जगह रखिए जहाँ पे दिल से दुआ निकले। बस दुआ में याद रखो कि भाई जो कर रहा हूँ कम से कम इतनी ताकत दे कि आखिर तक कर रहा हूँ। कोई लालच जो इन लोगों का आया है दिल में, वो लालच ना आए, उसके पहले भले मर जाए, मगर किसी के थाली का कुत्ता बनने की नौबत ना आए। सर आप जो बोलते हो ज्ञान है, हम तो पढ़ते हैं, वो सिर्फ जीने के लिए ही होता है। धन्यवाद। अबे कंसोल जी देखिए, मुझे जो मिला है वो मुझे निशुल्क ऊपर वाले ने मेडिटेशन में, डायमेंशन में सिखाया, ज्ञान दिया। अब ये बहुत बड़ा सवाल आता है इन लोगों को कि होता कैसे है, ये कहाँ से बोलता है, इसको कंटेंट ये जो है हमें क्यों नहीं मिलते हैं। ग्रेटिट्यूड टू यू सर फ्रॉम एवरीबडी। धन्यवाद भीम पुजारी जी, प्रणाम। तो ये मुझे जो मिला मैंने आपको दिया, जितना हो सके उतना दिया। डराने का कोई इरादा नहीं था, सच्चाई बताई, आप डर गए और उसी डर का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और आपको आपकी तरफ बहका लिया। आपको मीठी मीठी बात बोल के लेट्स ड्रिंक ईट एंड बी मैरिड तो गए बहक के। प्रलोभन है, महामाया है, माया है, ये माया जाल है, इसमें फंस गए हो। सो टेल अस अबाउट द डॉक्टर आजाद सखी भाई। हर्षिता कौर मैडम, वो जो जिस तरह से सभी का होता है, वो जो डेट है वो उस तरफ चले गए, वो चले गए डेट्स को, उस टाइम को, हो गया। जैसे डॉक्टर अपने तरुण, क्या नाम है उनका, राजीव दीक्षित जी का डेट्स देखिए कौन से डेट्स को हुआ है, हो गया। पूरे यूट्यूब पे भाई किसी ने नहीं बताया सच, एक्सेप्ट यू भैया जी, साचा नाम जी, मैंने कहा ना सब अब कंटेंट लेके। पनीटी के पे किसी ने बात नहीं की, लॉकडाउन पे किसी ने बात नहीं की, जियोमो पे किसी ने बात नहीं की, 3+2G पे किसी ने बात नहीं की। हाँ अब जब मेडिटेशन पे, डायमेंशन पे, इस पे आया हूँ, कल इस कली के बारे में बताने, महाभारत के बारे में, तो सारे के सारे लगे पड़े। नवाज शेख सर, जब लोगों को बोलता हूँ कि लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग अलग ही है, वो राह पे चलते जा रहे, चलने दीजिए। हमेशा याद रखिए विनर हमेशा मल्टीपल नहीं रहते, हमेशा विनर एक ही रहता है। प्रकृति मैडम का कोई टेलीग्राम पेज नहीं है। तो आपको उस प्रवाह के विरुद्ध चलना पड़ेगा, तब आप एक्सपर्ट बनोगे। आप देखिए माउंट एवरेस्ट कितने लोगों ने सैर किए, चढ़ के गए, इंग्लैंड की खाड़ी कितने लोगों ने क्रॉस की है। हर कोई नहीं आता उसकी चीज़ के लिए, पैदा होने के लिए। तो उसी तरह से सिस्टम के खिलाफ लड़ के अपने बच्चों को, फैमिली को बचाने के लिए हर कोई नहीं आता है। आप वो कर रहे हो। Why people attack on your personally? क्योंकि मैं इन मालिकों का पोल खोल चुका हूँ और जो गेम प्लान है, जो बड़े लेवल का इलेक्शन के टाइम का, मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूँ। इसलिए कोबरा कौन है, इल्यूमिनाटी कोबरा है, पूरा का पूरा उसका हेड है, ये सारी सिस्टम कोबरा है, ये पूरी सिस्टम कोबरा है। लर्न ओरोजिस, मैंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वीडियो बनाया है, समान नागरिक कायदा पे मैंने वीडियो बनाया है। फरीदाबाद में 1978 के बाद आज बाढ़ आई है यमुना में। ओके सर, आज भी सभी यूट्यूबर्स की फटी तो है परी टीके के बारे में बोलने से। मैंने कहा ना, आप लोगों को समझाने के लिए हमने हमारी इज्जत प्रोफेशनली जो रहती है ना, वो कोट उतार के रख दिया था। धमकी आ रही थी डॉक्टर लोगों को कि तुम्हारी डिग्री छीन लेंगे, बोले ले ले डिग्री, ले ले जो लेने, लेके जा पेन भी, लेके जा प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखूंगा।
लेके जा। अब तब नहीं डरे यार प्रोफेशनली, अब ये नॉन प्रोफेशनल नॉन इथिकल लोग आके हमसे क्या सवाल उठाएंगे। लेकिन बच तो गए हैं, हमारी वजह से ही बच गए हैं, आज हम ही पे काट रहे हैं। वह तो बोलता ना, कुत्ता जब पागल हो जाता है ना तो मालिक को काटता है। पनीर टिक्के से हमने बचाया, आज हमको ही काट रहे हैं। काटो काटो, इतना याद रखे पागल कुत्ते को गोली मारी जाती है, जंगल में जाके फेंक दिया जाता है। अब तुमको गोली तुम्हारी सरकार ही मारेगी, जिस तरह से तुम्हें खड़ा किया है ना जिस जगह पे, जिस तरह से तुम भोग रहे हो, पगला गए हो, वो सरकार तुम्हें उसी रास्ते पे लेके जाएगी। लोग ही तुम्हें पत्थर मार मार के गालियाँ दे दे के, शर्म होगी तो छुप जाओगे, नहीं होगी तो और गालियाँ खाओगे लोगों की। सो टोमेटो 220 हो गया दिल्ली में। तुमचा शकरी भाई सलाम नाम है काल त्रिकाल, अगर काल त्रिकाल अगर तू आईटी सेल वाला है तो तुझे कुछ कमेंट करना है कर ले, तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। दिल्ली फ्लड हाईलाइट्स यमुना वाटर लेवल ओवर द डेंजर मार्क ऑफ द 208 मीटर 4.65 मीटर राइज इन जस्ट टू डेज लर्न और जी। दिल्ली के लोग कह रहे थे बहुत प्यार से होगा, दिल्ली का करप्ट मुख्यमंत्री और दिल्ली के करप्ट पॉलिटिशियंस, मैंने कहा ना हिसाब होगा, प्यार से तो नहीं होता है भाई साहब हिसाब। ममता जैन, अरे वो जर्मन शेफर्ड को कुछ नहीं पता है और वो किसी और के वीडियोस देख के इधर मत आया कीजिए। हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजर, इतना याद रखिए, हाफ नॉलेज से हमेशा बचिए। और यही किया आप लोगों ने, इसका सुन के उधर आए, उधर का सुन के इधर आए, और सब सुनसान के बाद में जहाँ जाना था वही गए और डूब गई तुम्हारी गंगा। दो नाव पे पैर रखे डूब गई, ना घर के ना घाट के। राइट बोला था सर, बीजेपी बी टीम है, मांग है आपको पैसा। मैंने आपको सच बताया, इन लोगों का सच खोला है आपको। और एक वो देखिए 3+2 जी का, सर आई एम नॉट फ्रॉम द आई टी सेल, आपने कहा कटने वाला कुत्ते को गाली बनी। ओके ओके ठीक है, नहीं भाई साहब क्या है, मैंने कहा अगर आप गलत कमेंट करेंगे तो मैंने कहा वो स्टेटमेंट। और कभी कभी मूड हो जाता है मेरा लाइटली बात करने, कुछ समय और है इन सभी अधर्मियों के पास, सब देखेंगे कल्कि जी की शक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे ओम वैदिक सनातन धर्म जी, हरे ओम। ये जिससे डरते नहीं है ना, ये जिससे डरते नहीं है, वो कर्मा ऐसे वक्त पे स्ट्राइक मारता है। मैंने कभी कहा है जिस वक्त तुम सोच नहीं सकते हो उस वक्त पे कर्मा स्ट्राइक मारता है। विश्वजीत दत्ता जी मुझे बताओ अंधेरा और उजाला एक है क्या, हाँ जल और अग्नि एक है क्या, उसी तरह से गली और कल्कि एक नहीं है, दो अपोजिट सिचुएशन है। एक निगेटिविटी है जो आप दिलों में पैदा करती है डर और घबराहट और आपको उस पाप करने का चेतना जगाती है, और जो कल्कि है वह आपको एनर्जी देती है जो आपको जोड़ती है जल जमीन जंगल से, मैं हम बनने से, फर्स्ट डायमेंशन सेकंड डायमेंशन को थर्ड डायमेंशन से कनेक्ट करती है, जिसका यूनियन होता है फोर्थ डायमेंशन में, और आप ट्रैवल करते हो, प्रोजेक्ट करते हो खुद को उस पोर्टल्स के थ्रू, उस टनल के थ्रू, जो ट्रैवलिंग है थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन के बीच की जो जर्नी है वो है फोर्थ डायमेंशन, और जब जहाँ पहुँचते हो दैट इज द फिफ्थ डायमेंशन। वो आपको पहले ख्वाब में दिखता है, मेडिटेशन में दिखता है, इंट्यूशन में समझता है, और जब होती है चीज़ फिफ्थ डायमेंशन की तो आप फिफ्थ डायमेंशन में रियलिटी में पहुँचते हो। ये ट्रांजिट रहता है। लोग भगवान को भूल गए हैं, सेल्फिश हो चुके हैं।
तो धन्यवाद सभी का, आज के कार्य की जा रहा हूँ और इस कार्य का आउटपुट आपको समझेगा, बहुत अच्छे से दिखेगा। जिस तरह से मैं ग्राउंड पे उतरा पिछले महीने के 22 तारीख को, 22 जून 2023 को मैं ग्राउंड पे उतरा और एक हफ्ते के अंदर सरकार को बताना पड़ा कि आदिवासियों को UCC में नहीं लाएंगे। गाजर दे रहे हैं, बहकावे मत आओ, आपका आर्टिकल 13 हटा रही है सरकार, आपको स्पेशल आदिवासी जो दिया गया है जिस बेसिस के ऊपर आर्टिकल 13, वो सरकार हटा रही है, संविधान में चेंज कर रही है आर्टिकल 13, आर्टिकल 30, आर्टिकल 25, ये सरकार आर्टिकल 32, कई सारे आर्टिकल्स है अगर निकालूंगा मैं तो, वो हटा रही है, आपको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं ट्राइब्यूनल के। यही बात SC NT OBC VJ इन सभी के लिए है, तुम्हारा जो रिजर्वेशन कैटेगरी राइट्स है वो सरकार हटा रही है, तुम्हारे बच्चों को कल स्कूल में जॉब के लिए रिजर्वेशन नहीं रहने वाला है। और इसी तरह से ताली थाली पीटते रहो, जागो, जो जागा है वही बचने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय गणेश, राधे राधे।